नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं अंशिका। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के ऊपर आरोप है कि उन्होंने क्रूज ड्रग्स केस में आर्यन खान का नाम हटाने के लिए शाहरुख खान से 25 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगी थी। इस मामले को लेकर सीबीआई जांच कर रही है। समीर वानखेड़े ने सीबीआई की कार्रवाई के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। इसी बीच समीर वानखेड़े ने व्हाट्सएप चैट जारी कर दावा किया है कि आर्यन खान को छुड़ाने के लिए शाहरुख खान ने उनसे कई बार बात की है। समीर वानखेड़े ने अपनी याचिका में शाहरुख खान के साथ व्हाट्सएप चैट पेश की है। समीर वानखेड़े का कहना है कि सीबीआई उनके खिलाफ बदले की कार्रवाई कर रही है। वहीं बॉम्बे हाई कोर्ट ने सीबीआई को निर्देश दिया कि वो 22 मई तक कार्रवाई ना करे। समीर वानखेड़े और शाहरुख खान की जो व्हाट्सएप चैट सामने आई है उसमें शाहरुख खान अपने बेटे आर्यन खान को छुड़ाने के लिए समीर वानखेड़े से विनती कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि जब ड्रग्स केस में आर्यन खान कस्टडी में थे तब शाहरुख खान ने समीर वानखेड़े से क्या बात की थी। शाहरुख खान लिखते हैं, समीर साहब क्या मैं आपसे एक मिनट बात कर सकता हूँ? मैं जानता हूँ कि ये सही नहीं है, लेकिन एक पिता होने के नाते प्लीज मैं आपसे बात कर सकता हूँ क्या? SRK। इस पर समीर वानखेड़े लिखते हैं, प्लीज कॉल करें। फिर इस पर शाहरुख खान लिखते हैं, क्या ये बात करने का सही समय है? मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं जो ख्यालात और आपकी निजी राय मुझे दी है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आर्यन एक ऐसी शख्सियत के तौर पर अब से तब्दील होगा जिस पर आपको और मुझको गर्व होगा। ये घटना उसकी जिंदगी में टर्निंग पॉइंट साबित होगी। मैं वादा करता हूं कि ये सुधार की दिशा में कदम होगा। ये देश ईमानदार और मेहनती लोगों की ओर देख रहा है। प्लीज थोड़ी दया दिखाएं। मैं सिर्फ एक बाप होने के नाते दया की भीख मांग सकता हूं। इस पर समीर वानखेड़े लिखते हैं, प्रिय शाहरुख, काश मैं आपसे एक जोनल डायरेक्टर होने की बजाय एक दोस्त के तौर पर बात कर सकता और इस समय के हालात समझा सकता। कई अराजक तत्व इसमें घुसे हुए हैं और पूरे माहौल को खराब कर रहे हैं। मैं बच्चों को सुधार की दिशा में ले जाना चाह रहा हूँ, उन्हें वो अवसर उपलब्ध करवाना चाह रहा हूँ जिससे वो देश की सेवा में अपना योगदान दे सकें। लेकिन मेरी कोशिशें कुछ खराब लोगों के स्वार्थ के कारण बेकार जा रही हैं। फिर शाहरुख खान लिखते हैं, लेकिन इस सब के बीच मेरा बेटा तो नहीं है ना? आप ये जानते हैं, अगर किसी भी तरह से बिना ईमानदारी से समझौता किए एक अधिकारी के तौर पर आप उसकी मदद कर सकें तो मैं आपका एहसानमंद रहूँगा। मुझे तकनीकी बातों की जानकारी नहीं है। मैं आर्यन की तरफ से यकीन दिलाता हूँ कि वो हर तरह से आपसे और आपकी टीम से हर संभव सहयोग करेगा, लेकिन प्लीज उसकी अपील पर सकारात्मक जवाब दें। हम आपके आभारी रहेंगे। हमारा परिवार उसे घर में देखना चाहता है, बस हम नहीं चाहते कि उस पर मुजरिम होने की मोहर लगे और वो जेल जाए। ये उसके भविष्य के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए मैं एक बाप होने के नाते उचित मांग से थोड़ा आगे बात कर रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप ये समझेंगे। बहुत शुक्रिया। लव, SRK। फिर समीर वानखेड़े लिखते हैं, प्रिय शाहरुख, मैं आपसे सहानुभूति रखता हूँ, चीजें सही हो जाएंगी। जिस पर शाहरुख खान का जवाब आता है, गॉड ब्लेस यू मैन, लव SRK, गॉड ब्लेस यू। मैं पर्सनली आपसे मिलकर आपको हग करना चाहता हूँ। आप जब चाहें प्लीज बताइए कि कब ये हो सकेगा। सच में मेरे दिल में आपके लिए बेशुमार इज्जत बढ़ गई है, लव SRK। जिस पर समीर वानखेड़े लिखते हैं, जरूर ये डील जल्दी होगी, लेकिन ये सब खत्म हो जाए पहले। फिर शाहरुख खान लिखते हैं, हाँ प्लीज इस मामले को सुलझाने में आप मेरी मदद करें। तो ये था पूरा मामला। आप भी इस पर अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की छोटी और बड़ी तमाम खबरों की जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ न्यूज नेशन पर।